हेलो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। कैसे हो आप सभी? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे ही होंगे। आज बनाऊंगी मैं स्पेशल होली स्पेशल दही बड़े। चलिए देखते हैं कैसे बनता है। देखिए, मैंने उड़द की दाल और मूंग दाल बराबर बराबर मात्रा में रात 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैं इसे पीसूंगी, दरदरा पीसूंगी। मैदे की तरह मैदा ही नहीं पीसना है, दोनों को एक साथ मिलाकर मैं पीस लूँगी। थोड़ी सी पानी ऐड कर देंगे। देखिए दरदरा पिसा गया है, मैं इसे बॉल में निकाल लूंगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से फेंट लूंगी। इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना है इसको, जब तक स्पॉन्जी ना हो जाए। देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये अच्छी तरह से फेंटना हुआ कि नहीं इसको टेस्ट कर लेते हैं पानी में। इसको अगर ये तैरने लगे तो समझ लीजिए आपका बैटर रेडी है। देखिए तैरने लगे, अब इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ी सी अदरक कटी हुई, थोड़ी सी हरी मिर्च कटी हुई। हरी मिर्च और अदरक मस्ट है, इसे टेस्ट बढ़ता है। फिर मैं इसके अंदर थोड़ा नमक ऐड करूंगी। इसे तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हमारे बैटर बन के रेडी हो चुके हैं। मैंने गोल से हटा के इसके अंदर डाल दिया है। तेल गरम हो चुका है, अब मैं इसको तलूंगी। छोटी छोटी बॉल, सेलो फ्राई करना है, डीप फ्राई नहीं, क्योंकि इससे क्या होगा अंदर कच्ची रह जाएगी। इसको तो सेलो फ्राई करना है। इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए इसको। फ्लेम को मीडियम में ही रखना है, हाई फ्लेम में नहीं करना है। इससे ऊपर तो पक जाएगा लेकिन अंदर कच्ची रह जाएगी।
ही गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह करने से एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाता है। इसमें हल्का सुसुम पानी ले लेंगे, ऐड करेंगे हींग एक चुटकी। तो इसके अंदर डिप कर देंगे। वेट रख देंगे ताकि अच्छी तरह ये इसके अंदर कुछ वेट रख ऊपर वेट रख देंगे ताकि अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर लिए आट पानी को। तो इसको निकाल लेंगे, पानी को निचोड़ लेंगे हल्का हल्का इस टाइप का। हल्का प्रेस करना है। इसको निचोड़ लूंगी पानी से, दही लूंगी। मैंने मीठा दही लिया है, आप चाहे तो सूखी दही लेकर उसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह मिला लेंगे, ज़्यादा पतली नहीं होनी चाहिए दही, हल्का गाढ़ा ही रखना है। इसके अंदर काली नमक ऐड करेंगे, मिर्च, लाल मिर्च, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये लाल चटनी है, आप इसे बनाकर फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं डालूंगी हरी धनिया। ये हरी चटनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, हैप्पी होली, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।